नमस्कार, हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है वो है जसदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 7 जनवरी 2022 की जजमेंट है। दो जज का बेंच था। जस्टिस एम एम सुंदरेश ने ये जजमेंट लिखी है। इसमें चार एक्यूज हैं, A1, A2, A3, A4। A3 और A4 ये सुप्रीम कोर्ट में अपील पे गए हैं अपने कन्विक्शन के खिलाफ। इनका कन्विक्शन हुआ है 304 Part 1 के तहत लाइफ सेंटेंस, रेड विद सेक्शन 34 IPC। इन ऑपोजिंग है रिस्पोंडेंट में जो डिफेक्टो कंप्लेनेंट हैं, डिसीज्ड के फादर जो PW6 हैं, और स्टेट। अब ब्रीफली हम फैक्ट्स को समझें। 2011 का ये इंसिडेंट है जलंधर का। डिसीज्ड और उनके फादर का एक होटल है और उन्हें लगता है कि चारों अक्यूज जो कि दोस्त हैं उनकी वजह से उनके होटल पे एक रेड हुई थी। अब जिस रात को ये इंसिडेंट हुआ, एक गली में A1, A2, A3, A4 ये हैं और डिसीज्ड हैं। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट को ज़रा ध्यान से हमें देखना होगा। A2 हवा में गन लहराता है। A3 और A4 ये एक स्टेटमेंट देते हैं, वट आर यू सीइंग नाउ, अब तुम क्या देख रहे हो। और इसके बाद A1 पॉकेट से गन निकालता है और डिसीज्ड को मार देता है, सिर्फ एक ही शॉट में, और डिसीज मर जाता है। अब A3 और A4 ने जो स्टेटमेंट दी थी, वट आर यू सीइंग नाउ, उस वक्त A2 ने गन पहले ही निकाल रखी थी, पर शॉट जो है वो A2 ने नहीं चलाया। A1 ने पॉकेट से गन निकाल ली और डिसीज को मार दिया। अब ट्रायल कोर्ट ने जो रीजनिंग दी कि ऐसा नहीं था कि चारों एक्यूज्ड वेट कर रहे हैं और फिर डिसीज्ड को मारा गया है, डिसीज्ड खुद उनके पास गया है, सिर्फ एक ही शॉट मारा गया है और उसी शॉट में डिसीज्ड गिर गए। उनके गिरने के बाद कोई और शॉट नहीं मारा गया और उस इंसिडेंट से पहले झगड़ा भी हुआ था। तो क्योंकि प्री मेडिटेशन नहीं है और हीट ऑफ पैशन में, सडन फाइट में ये घटना हुई, इसलिए इस केस को सेक 300 IPC के फोर्थ एक्सेप्शन में लाया गया। और हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की रीजनिंग से ही कॉन्कर किया, लेकिन इस हाई कोर्ट ने A3 और A4 इन पे सेक्शन 34 वाला एरिया डील नहीं किया अपनी जजमेंट में, और इसी के लिए A3 और A4 सुप्रीम कोर्ट में अपील पे आए हैं। अब एपलेंट के आर्ग्यूमेंट ये हैं, A3 और A4 जो अक्यूज हैं उनके आर्ग्यूमेंट ये है कि स्टेटमेंट पर से, सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से सेक्शन 34 IPC अट्रैक्ट नहीं हो सकता। A2 ने गन लहराई तो ये बहुत नेचुरल और लॉजिकल होता कि A3 और A4 जो है वो A2 को शूट करने को बोलते हैं। अब रिस्पोंडेंट का कहना था, जो कि डिसीज्ड के फादर हैं, कि उनका वो चाहते हैं कि 304 Part 1 से बड़ा के कन्विक्शन कर दिया जाए 302 IPC के तहत। वो बोलते हैं रिस्पोंडेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन अक्यूज विल हैव टू डू अ फिजिकल एक्ट, कि 34 IPC को अट्रैक्ट करने के लिए कोई फिजिकल एक्ट किया जाए ये जरूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज वुड बी सफाइस, प्रेजेंस ही काफी होगी। अब जो स्टेट के वकील हैं उनका कहना है कि वो संतुष्ट हैं हाई कोर्ट की रीजनिंग से और उस कन्विक्शन में कुछ बदलाव ना किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीजनिंग दी है। सबसे पहले वो सेक्शन 34 IPC की डेफिनेशन में गए हैं। 34 IPC 1870 में अमेंड किया गया था, और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ये शब्द ऐड किए गए थे। इससे पहले ये शब्द IPC में सेक्शन 34 में नहीं थे। अब और ऑनस इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द कॉमन इंटेंशन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। जो ऑनस होता है कॉमन इंटेंशन प्रूव करने का, ये प्रोसिक्यूशन पे है।
सुप्रीम कोर्ट उदाहरण देता है एक फुटबॉल की गेम का। जैसे एक फुटबॉल की गेम में डिफेंडर है, मिडफील्डर है, स्ट्राइकर है, कीपर है, जिनका अलग अलग रोल है, लेकिन हार या जीत सबको बियर करनी पड़ती है, बेशक हर एक का रोल अलग अलग हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है सेक्शन 34 समझाने के लिए। एक लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 28 में लिखी है, अ मेयर कॉमन इंटेंशन पर से मे नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 34 IPC सेंस एन एक्शन इन फर्दरेंस। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 को अट्रैक्ट नहीं करती, अगर उस कॉमन इंटेंशन के प्रति कोई एक्शन ना लिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लगभग 14 जजमेंट्स कोट की हैं, उनमें से 3 या 4 जो ज़रूरी हैं ये पॉइंट समझाने के लिए। सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2001 की ये जजमेंट है। द अक्यूज्ड हु इज टू बी फास्टन्ड विद लाइबिलिटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन 34 IPC शुड हैव डन सम एक्ट विच हैज नेक्सस विद द ऑफेंस। एक्यूज्ड को अगर 34 IPC में लाया जाना है तो कुछ ना कुछ उसका एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, विच हैज़ अ नेक्सस विद द ऑफेंस, जिसका उस ऑफेंस से कुछ जुड़ाव हो। एक फेमस जजमेंट सेक्शन 34 पे बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, इसमें एक फेमस लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1996, इसकी एक लाइन है, कोर्ट्स माइंड रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन गेट सेटिस्फाइड व्हेन ओवर्ट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड कुआ ईच ऑफ द एक्यूज्ड। तो हर एक एक्यूज के खिलाफ कोई ओवर्ट एक्ट जब तक एस्टेब्लिश ना किया हो तब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। बट देन देर मे बी अ केस वेयर द प्रूव्ड फैक्ट्स वुड देमसेल्व्स स्पीक ऑफ शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर मतलब होता है व्हेन फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, जब फैक्ट अपने आप ही बोल रहे हों, उनको कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं। सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2000 की जजमेंट है, इसमें कहा गया है कि अक्यूज को फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है सेक्शन 34 में लाने के लिए। और आखिरी जजमेंट वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2010 की जजमेंट है, इसमें कहा है कि जो कॉमन इंटेंशन है दिस मे डेवलप ऑन द स्पॉट इट मस्ट हाउएवर बी एंटीरियर इन पॉइंट टू द कमीशन ऑफ द क्राइम, कि कॉमन इंटेंशन जो है वो ऑन द स्पॉट भी बन सकती है लेकिन वो क्राइम करने से पहले बननी ज़रूरी है। अब मेरिट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी है, इट इज़ द डिसीज्ड, जो डिसीज्ड हैं वो गए थे अक्यूज्ड के पास, अक्यूज ने कहीं खुद को स्टेशन नहीं किया था और उनकी वेट नहीं कर रहे थे। और अगर ए और थ्री ए फोर ने ए की वॉइस में अगर वो स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने वो स्टेटमेंट ए टू को देनी चाहिए थी, जैसा कि मैंने पहले बताया ए टू ने पहले ही गन हवा में लहरा रखी थी, तो उन्होंने ए टू को रेफर नहीं की। ए टू वॉज ऑलरेडी हैविंग अ गन, ए वन ने वो स्टेटमेंट के बाद अपनी जेब से गन निकाल ली है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे रीजनिंग दी है कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया गया है जिससे पता चले कि ए थ्री और ए फोर को पता था कि ए वन के पास भी गन है, और इट हैज टू बी फर्दर नोटेड दैट एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट देने के अलावा ए थ्री और ए फोर के खिलाफ कोई और मटेरियल नहीं है। अब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखते हैं कि अगर ए टू गोली मारता ए थ्री और ए फोर के स्टेटमेंट देने के बाद तो सिनारियो कुछ और होता। इन वजहों से ए थ्री और ए फोर की अपील सफल होती है और उनको एक्विट किया जाता है। तो इस हफ्ते की हमारी ये जजमेंट थी, धन्यवाद, थैंक यू।